हम अपने आप को क्यों नहीं बदल पाते, हम अपने आप को क्यों चेंज नहीं कर पाते, हम में से ज्यादातर लोग। और जो चीज जिसको हमें बदलना है, हम उसको बार बार करते हैं और ये सोचते भी हैं कि मैं इस चीज को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं इस चीज को लेकर क्यों अपने आप को नहीं चेंज कर पा रहा हूं। हमें पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम गुस्सा कर देते हैं और उसके बाद फिर हमें पछतावा भी होता है। हमें पता है कि डर एक बहुत ही बेकार चीज है और ये हमारे सपनों को और जो कुछ भी हम आगे लाइफ में करना चाहते हैं उसको रोक देता है, ये हमें पैरालाइज कर देता है डर। हम देख रहे हैं कि जितनी भी इनसिक्योरिटी है हमारे अंदर, जितना भी हमारे अंदर पछतावा है, जितनी भी हमारे अंदर सैडनेस है, जितनी भी हमारे अंदर एंजाइटी है, हर चीज हम कोशिश करते हैं बहुत अपने आप को चेंज करने की, कोई हमारी बुरी आदत है, लेकिन सच्चाई क्या है कि हम अपने आप को बिल्कुल बदल नहीं पाते। हम वीडियोस देखते हैं काफी सारी, हम बुक्स पढ़ते हैं कि किसी आदत को, किसी चीज को कैसे बदला जाए, कैसे चेंज लेकर आया जाए। अटैचमेंट हमें पता है बहुत बेकार चीज है, लेकिन फिर हम दोबारा से किसी न किसी चीज से अटैच हो जाते हैं, फिर बाद में हम धोखा खाते हैं तो हमें और ज्यादा दर्द होता है। क्या रीजन हो सकता है फंडामेंटल लेवल पर कि हम अपने आप को नहीं बदल पाते, नहीं चेंज कर पाते? हजारों किताबें हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, और ये भी बहुत बड़ी भूल होगी कि आप ये वीडियो देख लोगे और आप चेंज हो जाओगे। नहीं, समझ कभी बाहर से आ ही नहीं सकती, समझ हमेशा अंदर से आती है। जब तक वो चीज आपको खुद नहीं महसूस होगी ना, खुद वो चीज आपके ब्लड में नहीं आएगी, तब तो कोई कितना भी समझा ले, बदलाव तो आ जाएगा, लेकिन वो मोमेंट्री बदलाव होगा, मोमेंट्री, कम टाइम के लिए होगा। जैसे मोटिवेशनल वीडियोस देख लो तो बस उस टाइम मोटिवेशन छा जाता है, उसके बाद सब खत्म, सब डाउन एकदम। बदलाव की शुरुआत कैसे होगी, कैसे हम अपने आप को बदलेंगे, चाहे हमें अपने अंदर कोई भी चेंज लेकर आना हो, एक्सपेरिमेंटल लेवल पर चाहे कोई चेंज लेकर आना हो हमें लाइफ में, क्या करें चेंज लाने के लिए? देखिए, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी सबसे जरूरी, कि जब हम कोई चेंज लाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं ना, कि मुझे इस चेंज को लाने के लिए प्रैक्टिस करनी है, जैसे मान लीजिए कि मुझे अटैचमेंट ना हो तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो उस प्रैक्टिस के दौरान मैं अटैचमेंट में ही होता हूँ, या जब मैं कह रहा हूँ मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं जितनी बार ये कहूंगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा वर्ड हर बार उस सेंटेंस में है, और जितनी बार गुस्सा शब्द उस सेंटेंस में होगा, मैं कह रहा हूँ मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, उतनी बार हम गुस्से को और बढ़ावा दे रहे हैं और कंटिन्यूटी दे रहे हैं। मैं जितनी बार कह रहा हूँ मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए, मेरे अंदर डर के थॉट्स आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं डरना चाहिए, यस मुझे नहीं डरना चाहिए, लेकिन जितनी बार मैं ये कह रहा हूँ मुझे नहीं डरना चाहिए, डर अभी भी है, डर शब्द अभी भी आ रहा है, यानी फिर मैं उसको कंटिन्यूटी दे रहा हूँ, और फिर तो फंस गए आप। फिर आप वीडियोज देखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर आप सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, इधर उधर जाते हैं, घूमने जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चर्च में जा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत तरह की, फिर आप कर रहे हो ये सारी चीज, लेकिन किस वजह से कर रहे हो? अपने डर से आजाद होने के लिए। लेकिन जिस चीज के लिए आप कर रहे हो डर से आजाद होने के लिए, जब जब कोई भी चीज आप करोगे वो डर हमेशा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप उससे आजाद होने के लिए कर रहे हो डर से, तो डर बैकग्राउंड में हमेशा रहेगा, दुनिया यही गलती कर रही है। तो क्या किया जाए? सारी चीजों को हमें खत्म करना है, बिल्कुल अपने आप में फंडामेंटल चेंज लाना है, तो क्या किया जाए? देखिए, हमें अभी इस वक्त, मान लीजिए कि मुझे अभी इस वक्त मैं अपने अंदर एक चेंज ला रहा हूं कि मुझे गुस्सा नहीं करना, तो मैं क्या करूं? वीडियो देखूं कि हाउ टू बी नॉट एंग्री, या फिर किताब पढ़ूं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए? क्या करूं?
क्योंकि किताब पढ़ोगे, ये वीडियो देखोगे, मैंने बताया आपको, उसमें आप हर बार जिस चीज से आप लड़ रहे हो वो चीज आपके सामने बार बार आ रही है। अभी इस टाइम पर देखिए, नाउ में ही चीज होती है, आप अभी इस वक्त क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट करता है। मान लीजिए कोई सी भी चीज ले लीजिए, आपको आज एक चीज खत्म करनी है, चाहे डर खत्म करना है अपना, चाहे गुस्सा खत्म करना है अपना, चाहे आपको अपने अंदर से इनसिक्योरिटी खत्म करनी है, चाहे आपको अपने अंदर से दुख खत्म करना है, आपको खुश रहना है, अभी एक चीज दो और उस चीज को देखो जरा। जैसे तुम उस चीज को देख रहे हो, मान लो डर हो गया किसी भी तरह का, लोगों के सामने ठीक से बात ना कर पाने का डर हो गया, जजमेंट का डर हो गया, किसी भी तरह का डर हो गया, आपने डर को देखा, अब आपके अंदर थॉट आ रहा है कि मुझे डर से, विचार आ रहे हैं आपके अंदर, मुझे डर से आजादी पानी है, मुझे डरना नहीं है, ये विचार आप आने दो अपने अंदर, ये थॉट्स आप आने दो अपने अंदर। अब की बार जब आपको डर लगेगा ना, तो आप अवेयर रहेंगे, रोको मत अपने आप को, या फिर ये मत कहो कि मैं क्यों डर गया। नेक्स्ट टाइम जब तुम डरोगे तो बड़ा देखते हुए डरोगे, उस डर को बस, उस डर के साथ रहो बस। रहने का मतलब ये है ना, तो उस डर को लेकर ये कहो, लेकिन दिमाग में चलेगा, ये थॉट्स में चलेगा, लेकिन तुम्हें नहीं करना है ऐसा, दिमाग में चलेगा कि मुझे नहीं डरना चाहिए, मुझे डर को लेकर स्ट्रांग रहना चाहिए। जितनी बार तुम ये बातें कहोगे अपने अंदर, जितनी बार ये चीज तुम सेल्फ टॉक अपने अंदर डालोगे, ये उतनी बार तुम डर को लेकर और अपने आप के कनेक्शंस मजबूत कर देगा। लास्ट टाइम तुम्हें डर लग रहा है, तुम स्टेज पे चढ़े हो बात करने के लिए, तुम्हें डर लग रहा है, तुम किसी से पर्सन से अपने दिल की बात करना चाहते हो, तुम्हें डर लग रहा है, लगने दो, उस डर को अपना काम करने दो, उस डर को डिस्टर्ब मत करो, लगने दो उस डर को, और तुम अपना काम करो, तब तुम्हें दिखेगा कि डर अलग है, तुम अलग हो। और उसके बाद जब तुम ये देखेगा तुम अलग हो, डर अलग हो, और जब तुम दोनों चीजों को देख लोगे, तुम और डर दोनों चीजें अलग हो, उसके बाद तुम्हें दोनों एक एक दिखने लगेगी, फिर सब कुछ खत्म। यही है सिंपल मेथड, और ये बार बार याद दिलाने से, प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा, इसकी शुरुआत अभी इस वक्त हो सकती है अगर आप सीरियस हो। जैसे कि सिंपल सी बात है यार, मैं देख रहा हूं कि सामने मेरे से 100 मीटर दूरी पर शेर है, तो सिंपल सी बात है मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, ये डर नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है, ये बुद्धिमानी है, इंटेलिजेंस है कि मैं नहीं जाऊंगा। उसके लिए मुझे प्रैक्टिस थोड़ी ना करनी है कि मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, सामने शेर है मैं नहीं जाऊंगा, भाई अटैचमेंट शेर है, डर शेर है, इनसिक्योरिटी शेर है, दुखी परेशान रहना शेर है, अटैचमेंट शेर है, एंगर शेर है, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। और अभी से डिसीजन लेना पड़ेगा इस चीज का, चाहे लेटे हुए हो, चाहे आलस में हो, चाहे परेशान हो, चाहे माइंड एकदम खराब, चाहे सो रहे हो अभी, तुम जैसे भी हो, बस अंदर से चिल्लाकर नहीं, कुछ नहीं, अंदर से बस बोल दो मैं इस चीज को बदलना चाहता हूँ, बस इतना काफी है। अगली बार तुम, बहुत सारी सिचुएशन आएगी, हर कोई अलग है, हर कोई डिफरेंट है, लेकिन अगली बार तुम समझते हुए डरोगे, अवेयर होते हुए डरोगे, और जब तुम अवेयर होते हुए डरोगे तो ध्यान रखना तुम नहीं डर रहे हो, तुम्हारा डर ही डर रहा है। और फिर ये तो मैंने बाहर से बता दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर से जो तुम्हारी एजुकेशन स्टार्ट होगी ना, जो समझ स्टार्ट होगी, क्योंकि समझ फोर्स नहीं है, फोर्स समझ नहीं होनी चाहिए, कोई तुम्हें समझाए तब चीज आनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें देखो अपने आसपास, उनको लेकर अपने अंदर एक लेके आओ कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, चीजें ऐसे खत्म होती हैं। एट लास्ट जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, मैंने कंप्लीट कोर्स बनाया है कि सही स्पिरिचुअलिटी क्या है,
जिसमें डिटेल में बात की जाएगी। अगर आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सएप करके। थैंक यू वेरी मच।